Yeah. ये इसके पीछे कोई एक वो नहीं है कोई एक चेहरा नहीं है कोई एक किरदार नहीं है लेकिन जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो चल रहा था वो आई थिंक वो एक कैटलिस्ट था वो मतलब एक बड़ी कॉन्स्परेसी का एक छोटा सा पार्ट है जो कि मतलब एक इसके पीछे किस पूरी जो कॉन्सप्रेसी ऑस्ट जो हसीना को हटाने की जो कॉन्सप्रेसी थी ये मुझे लगता है कुछ महीनों से चल रही थी जो कि दिख रहा था तो रा, राइटिंग वाज ऑन द दस्ट या इसके पीछे मुझे लगता है पांच किरदार हैं एक तो जो बांग्लादेश आर्मी है जो उनके चीफ हैं वकारा वो दूसरे जो हैं वो हैं चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग तीसरे कोर्स पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चौथे जो बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है बीएनपी बांग्लादेश नेशनल, भी नेशनल भी पार्टी उसके जो लीडर हैं जो पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं दो बार खालिदा जिया और पाँचवा जो किरदार है वह पाकिस्तान आर्मी देखिए ये जो प्रोटेस्ट द प्रोटेस्ट स्टार्टेड जब रिजर्वेशन का मसला आया जो वो तीस परसेंट रिजर्वेशन था फिर उस क्योंकि उनके लिए उन्नीस सौ इकहत्तर था गोर्मेंट्रेशन वॉर में जो थे उनके परिवार के लोगों को मिलेगा और ऐसे वैसे करके उसके बाद स्टूडेंट्स रोड पे आए उनकी डिमांड जायज़ थी आई बिलीव दैट द डिमांड वॉज वैलिड बिकॉज बांग्लादेश इज़ ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इशूज़ सो उनका यह था कि भाई आप तेईस तीस परसेंट उन्हें दोगे तो हमें क्या मिलेगा अगर तो दैट वॉज़ फाइन फिर जब वो वायलेंस काफ़ी बढ़ा उसमें लोगों की जान गई खास स्टूडेंट्स मारे गए उसके बाद वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये किया कैप लगाया फिर वो वो कुछ दिनों के लिए वो मामला शांत हो गया द बट लेकिन उसके बाद भी वो जो एक होता है कि मतलब ऊपर से तंदूर ठंडा है नीचे से आग धड़क रही है वो वाले वो था।, वो था क्योंकि वो जो ऑब्जेक्टिव था बीएनपी का और जमात इस्लामी का और पाकिस्तान और चाइना का वो नहीं पूरा हो पा रहा था फिर उन्होंने क्या किया शेख हसीना ने फिर वो सोशल मीडिया पे बैन लगाया फिर उन्होंने जमात इस्लामी पे बैन लगाया देखिए जमात इस्लामी जो है वो वहाँ की एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है पोलिटिकल पार्टी है इनफैक्ट सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग थी हसीना की उसके बाद बी एन खालिदा जी और तीसरी जमात इस्लामी जमात इस्लामी का हमेशा से पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है और पाकिस्तान जब नाइनटीन का वॉर भी हुआ और जब पाकिस्तान के साथ तब लिब्रेशन वॉर हो रहा था तब भी जमात इस्लामी के लोगों ने पाकिस्तान का ही सपोर्ट किया okay. और उन पे बाद जब हसीना जब पावर में आई अभी पिछले पंद्रह सालों में उन्होंने बहुत सारे जमात इस्लामी के लोगों को के ऊपर मुकदमे चले और उनका जो एक जमात इस्लामी का हिट था मुल्ला कादर उसको फांसी भी हुई दो आई थिंक अट्ठारह उन्नीस की बात है ये तो जमात इस्लामी और पाकिस्तान दे गो अ लॉन्ग वे फिर जो बहुजन सॉरी बांग्लादेश नेशनल पार्टी है बी उनका भी खालिदा ज़िया का भी हमेशा पाकिस्तान से अच्छा रिलेशन रहा रिलेशन इसलिए पाकिस्तान से अच्छा रहा है क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान उन्हें पसंद है क्योंकि वो एंटी इंडिया है तो वो जो okay, जब, या वो जो oh, दोस्त का okay, दोस्त yeah. दुश्मन का दुश्मन वाली जो बात है वो तो ये इस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान की सरकार ने ये पूरा जो सो कॉल्ड रेवोल्यूशन था उसको फ्यूल दिया चाइना भी इसमें अफकोर्स चाइना का इंटरेस्ट भी था बहुत बड़ा क्योंकि चाइना हमेशा से बांग्लादेश में अपनी पैड बनाना चाह रहा था इंडिया क्योंकि शेख हसीना के इंडिया से रिलेशन बहुत अच्छे थे नो मैटर विच गवर्नमेंट मनमोहन सिंह के ज़माने में भी शेख हसीना जब शेख हसीना पहली बार पाँचों में बनी थी तो, तो वो शेख मनमोहन सिंह के ज़माने में ही बनी थी तो मनमोहन सिंह के वक्त से ही ये रिलेशन अच्छा है इनफैक्ट हसीना परिवार का रिलेशन हमेशा से हिंदुस्तान से बहुत अच्छा रहा उसकी हिस्ट्री है पूरी तो ऐसे में चाइना को भी प्रॉब्लम थी और आप जानते हैं चाइना और पाकिस्तान के एक अच्छे रिलेशन है तो इसमें मुझे लगता है कि आर्मी जो बांग्लादेश की जो आर्मी के जो चीफ़ हैं वकारो जमा ये हसीना के ही रिश्तेदार हैं दूर के और इनके जो फादर थे वो भी बांग्लादेश आर्मी के चीफ़ रह चुके हैं उन्होंने जब हसीना पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उनको उन्होंने आर्मी का चीफ बनाया था वकारार जमा अभी जून 23 को ही इन्होंने आर्मी चीफ़ के पोजीशन पे आए थे ये और देखिए कितना एक डेढ़ महीने में इन्होंने ये कहना कि इसमें ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है नहीं जिस तरीके से आर्मी ने पूरी चीज़ों को फैसिलिटेट किया और जिस तरीके से आर्मी ने इस, इस प्रोटेस्ट को बड़ा होने दिया देखिए अपने ही लोगों पर गोली चलाना टैंक चढ़ाना कहीं की भी वो समझदारी की बात नहीं है यहाँ पे हसीना से ज़रूर चूक हुई है क्योंकि उन्होंने जब पहली बार जब ये स्टूडेंट रोड पे आए थे जब वो रिजर्वेशन को लेके तो हसीना ने उनको रज़ाकार और देशद्रोही जो हमारा एंटी नेशनल बोला रज़ाकार जो थे अगर मैं कॉन्टैक्ट समझाऊँ अपने लोग दर्शकों को तो रज़ाकार जब 1971 सेवनटी का जब वॉर हुआ था तो जो जो पाकिस्तान की तरफ से जो लोग लड़ रहे थे जो पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे थे या उनको इनपुट दे रहे थे कि ये मतलब देश की आज़ादी में लड़ा उनको वहाँ पर रज़ाकार बोलते हैं तो इन्होंने सारे स्टूडेंट को रज़ाकार बोला जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया तो यासीना ने फिर अपने स्टूडेंट्स पे गोली चलाना देखिए कहीं पे भी जो हमारा जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है और जो मैंने देखा है अगर आप अपने ही लोगों पे गोली चलाओगे और टैंक चलाएंगे तो वो वो प्रोटेस्ट कभी नहीं होगा एक चाइना में देखा था हमने वो ही सिर्फ एक प्रोटेस्ट है वो जो बचा है कि भाई उन्होंने टैंक चढ़ा दिया टाइना मैन स्क्वायर पर उसके बाद भी वो बच गया लेकिन आप इजिप्ट देख लो टूनिशिया देख लो कहीं भी आप देख लो जहाँ पर अपने लोगों पर श्रीलंका देख लो अगर आप अपने लोगों पर गोली चलाते हो तो वो प्रॉब्लम होती है और ऐसे प्रोटेस्ट जिनको बाहर से समर्थन प्राप्त हो और वो भी चाइना से और पाकिस्तान से तो वो फिर ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया और मैं इस बात जिस तरीके से जो पाकिस्तान का रिएक्शन आया है कल जो उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया को सपोर्ट नहीं करना चाहिए इंडिया को हसीना को असलम नहीं देना चाहिए इंडिया को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान इंडिया को मतलब वो पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और जिस तरीके से देखिए प्रोटेस्ट था कि हसीना को हटाना है वो वो तो हो गया उसके बाद वहाँ पे जो हिंदुओं को जो कतलेआम हो रहा है उनको अटैक right. कर रहे हैं ये तो पाकिस्तानी मैंटेलिटी है ये तो हमने हम देखते हैं पाकिस्तान में आए दिन हम ये खबरें सुनते हैं कि हिंदुओं के घर को तोड़ दिया जला Man, दिया मंदिरों को अटैक किया तो, तो ये आटेक साफ आटेक ये साफ पता लग रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान का अपना हिडेन एजेंडा है और आज ना कल आप दस दिन पंद्रह दिन रुक जाइए आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के जितने सारे पपेट वहाँ पे हैं जैसे खालिदा जिया और वो वही वहाँ पे सत्ता पे आएंगे अभी फिलहाल के लिए बाद में फिर जनता जब मुझे बस दुख इसी बात का है कि बांग्लादेश जो कि एक मतलब अच्छा ग्रो कर रहा था फिर हसीना से भी मिस्टेक हुई और ये है कि मतलब अगेन आई आई फियर कि बांग्लादेश एक अलग न्यू पाकिस्तान बनने की दिशा की ओर बढ़ गया है बिकॉज uh, कहीं ना कहीं ये भी बात माननी पड़ेगी कि ये शेख हसीना का भी फेलियर है क्योंकि उनके नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा था कटेल कं, कं, उसको टाइमली नहीं कर पाई मुझे लगता है उनको मतलब जैसा हमारे पास रिपोर्ट है कि इवन इंडियन गवर्नमेंट ने बोला भी था कि आप वकार जमा को थोड़ा देख के रखें वो मतलब उनके क्रेडिबिलिटी पर शक था बट कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान वो जब एक वो क्या बोलते हैं एक हिंदी का वो शेर है वो कविता है उसके दो लाइनें हैं जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले भी वे मर जाता है।, है तो वही बात है कि भाई हसीना का डाउनफॉल लिखा हुआ था वो देख नहीं पाई राइटिंग वॉज वा ऑन द वॉल चाइना के साथ जो रिलेशन बिगड़ रहे थे वो भी बिल्कुल दिख रहा था पाकिस्तान तो सोन निमी है हसीना का तो और खालिदा के जिस तरीके से सपोर्ट बढ़ता जा रहा था तो मुझे लगता है कि ये सब ने मिल इसमें लेकिन हाँ इसमें सबसे बड़ा हाथ ये उन्नीस का जो बदला है